हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सबसे पहले ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी कल एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम करके आइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में अलग अलग चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और एक मेन बात यह है कि कल से आपका पूरा पेपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और जितने भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे उनकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। मिलेगी कहाँ से पीडीएफ? आपको टेलीग्राम से मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ सारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का है और यहाँ पे बोला गया है राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। तो आपको क्या करना है, जितनी लाइन पढ़ोगे उसका पहले काम करना है, ठीक है। यानी कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, यहीं तक रुकिए और इसका लिख लीजिए, यानी कि आप इसको 15 मीटर उत्तर की ओर चला दीजिए। यहाँ पे 15 मीटर राम जाएगा उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर डायरेक्शन आपकी ये होती है। तो यहाँ से यहाँ तक वो चला, यहाँ पे अभी रुक गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है किंतु पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। यानी कि पहले वो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि राइट साइड मुड़ेगा, तो राइट साइड कौन सी हो जाएगी ये, और 20 मीटर जाता है। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और ये 10 मीटर फिर चलता है। देखिए जितनी लाइन बोली जाए उतनी, जितना पढ़ोगे उतनी लाइन करते जाइए और एक भी लेफ्ट और एक भी राइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना कम होना चाहिए। अगर कम और ज़्यादा हो जाए तभी आपका आंसर गलत आ जाएगा। और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वो इससे हार्ड नहीं आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, देखना आप कल जितने भी बच्चे एग्जाम करके आएंगे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है दाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो फाइनल में वो दोबारा से फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो अब की बार ये दाईं ओर हो जाएगा। देखिए जब भी दक्षिण की डायरेक्शन में कोई भी मूव करता है चलता है तो जो आपका राइट होता है वो उसका लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है। तो आपका राइट कौन सा होगा ये, तो उसका ओर ये राइट हो जाएगा, यानी कि ये उसका दाएं हो जाएगा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर चलेगा। अब पूछा है वो कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, चलना स्टार्ट यहाँ से किया था और ये यहाँ पे है, तो अभी इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, यही सॉरी 5 मीटर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर की दूरी पे वो अभी वो खड़ा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है तो पूरी देख के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे, पूरी रीजनिंग का एक निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ आपका डिवाइड और डिवाइड का अर्थ माइनस हो तो ये इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन का क्या मान होगा? तो जो इन्होंने साइन बदलने के लिए बोला गया है उसको बदल लीजिए, माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला गया, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मल्टीप्लाई रख दीजिए, जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे प्लस कर दीजिए, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डिवाइड रख दीजिए, ठीक है, और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे माइनस रख दीजिए। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन के आएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, जहाँ पे भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ वाली यानी कि का वाली मल्टीप्लाई सोल्व होगी, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो आपकी इक्वेशन बन के कौन सी हो जाएगी तैयार, ये वाली, सॉरी ये वाली है, तो इक्वेशन आपकी ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी ब्रैकेट आपको यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई भी आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है, फिर उसके बाद क्या था डिवाइड, तो डिवाइड किसको करेंगे आप, 12 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 40 + 4 × 6 और -60, ठीक है, इतना सोल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ऐड, तो 40 और 24 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64, और एंड में करते हैं माइनस, तो माइनस आप 60 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इस इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन सोल्व करना है, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको डेफिनेटली करके आएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। इसमें बोला जा रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, ठीक है, ये इशारा करने वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में, तो कैसे करना है, यह मेरे दादाजी, तो आप खुद के दादाजी सोचिए। देखिए ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर बहुत ही आसान होता है और सभी इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैसे आपको सोचना है कि ये मेरी बात, मेरे बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है यह है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, मेरे पापा, तो मेरे पापा की पुत्री यानी कि मेरी बहन, तो बताएं उस लड़की का विकास के साथ क्या संबंध है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए। यहाँ पे बोला विकास ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कि ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है, तो मेरे दादाजी यानी कि ये हो गए इसके पुत्र, इकलौता पुत्र ये हो गया, यानी कि ये मेरे पिता हो गए हैं। ठीक है, पिता की एक की पुत्री यानी कि ये लड़की और ये इसकी पुत्री हुई है पिता की, तो ये इसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, बहन भाई का रिलेशन हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वह लड़की विकास की बहन है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो खुद को सोच करके देखिए, आंसर 100% आ जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रुप डी का एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है, खुद भी ट्राई करिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे दिया जा रहा है XGHWIJVKLUMN और नेक्स्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सीरीज क्या चल रही है। नेक्स्ट तो आपको पता चल ही जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक्स से पहले क्या था, डब्ल्यू, यानी कि माइनस वन चल रहा है। ठीक है, माइनस वन, फिर ये डब्ल्यू से पहले वी, तो यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन क्या हो जाएगा, यू में से माइनस वन करेंगे तो आपका आ जाएगा टी, तो कुछ माइनस वन वाली सीरीज हमें मिल गई है। फिर नेक्स्ट में अगर हमें देखूँ यहाँ पे, तो ये प्लस टू चल रहा है, ठीक है ना, प्लस टू, ठीक है, इसमें करेंगे प्लस टू, फिर इसमें प्लस टू, और इसमें भी प्लस टू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एम में प्लस टू करेंगे तो ओ बन जाएगा, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे माइनस वन और प्लस टू, और फिर माइनस वन चल रहा है या क्या चल रहा है, इसमें भी आपका एच से, हाँ प्लस टू चल रहा है यहाँ पे भी, प्लस टू, प्लस टू, और यहाँ पे भी अगर एल में हम प्लस टू कर दे तो एन आ जाएगा, और एन में प्लस टू कर दे तो पी हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बन गया, टी ओ पी, टोप, यानी कि टी ओ पी, देख लीजिए टी ओ पी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे पहले वाले नंबर में, सॉरी मैं आपके दोबारा से बता देता हूँ, पहले वाले में आपका जो अल्फ़ाबेट है माइनस वन वाले चल रहे हैं, ठीक है, फिर आपका प्लस टू चल रहा है ये नेक्स्ट में, और प्लस टू, प्लस टू, और फिर आपका फिर प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू, तो इस तरीके की कई सीरीज आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो आपको सिंपली देखना है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए, 26 अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए, उनके अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। मैंने आपको पहले बताया ए से एम तक लिखिए, और एम के नीचे एन से फिर नीचे जेड तक लिखिए, और इनके ऊपर नंबर भी डाल लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 26 तक। ठीक है, अगर आप इस तरीके से याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं होते हैं तो इनको लिखने की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप 30 सेकंड में जा करके लिख लें। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि आपको ये एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक रफ पेपर मिलेगा, तो रफ पेपर में उसको जाते ही लिख लीजिए कहीं पे छोटी सी जगह में। ठीक है, और जब तक एग्जाम स्टार्ट ना हो उसको दिखने मत दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को बोल देते हैं कि ये लिख क्यों रहे हो आप। ठीक है ना, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इससे कई क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे सी मिल गया है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट अब की बार प्लस वन और प्लस टू वाला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस टू और प्लस वन, सॉरी प्लस वन और प्लस टू, यहाँ पे सबसे पहले प्लस वन, प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन करेंगे क्या आ जाएगा, वी में, वी से आगे क्या आएगा, यू से वी आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू होगा तो क्या आ जाएगा, आई, जी के साथ में, जी में प्लस टू करेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी प्लस टू करेंगे तो के हो जाएगा, फिर प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू करेंगे तो आपका जे हो जाएगा, और जे में भी प्लस टू करेंगे तो एल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, प्लस वन, प्लस टू और प्लस टू यहाँ पे चल रहा है सीरीज में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी आई जे, यानी कि वी आई जे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप डेफिनेटली उनको करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है प्लस माइनस ही चलता है इन वाली सीरीज में, तो ध्यान रखिएगा बस प्लस माइनस का थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिलोगिज्म चैप्टर से। इसमें देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके कई आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे बोला जा रहा है यदि सभी पुस्तकें कलम है और कोई कलम पेंसिल नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सभी पुस्तकें कलम है, तो यहाँ पे देखिए सभी पुस्तकें आपका ये आपने बना लिया और सभी की सभी पुस्तकें क्या है, कलम है। तो इसके ऊपर कोई आपका वेन डायग्राम आ जाएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद बोला है कोई कलम पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो कोई कलम पेंसिल नहीं है, इसका मतलब जो बाहर वाला ये डायग्राम बनाया है इससे का रिलेशन बताना है नहीं में, किसके साथ, पेंसिल में। तो पेंसिल को बिल्कुल अलग बना देंगे। अगर इसका रिलेशन इसके कलम के साथ में नहीं है तो पुस्तक के साथ में किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो ये जो पेंसिल है दोनों के साथ में, इसके साथ में भी और कलम के साथ में भी, नहीं वाला ही आपका यूज होगा 100% में, ठीक है। यानी कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना इसके साथ में ना इसके साथ में, क्योंकि रिलेशन किसके साथ में बोला गया है, नहीं का कलम के साथ में, और कलम के अंदर पूरी पुस्तक है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाता कि कोई भी पुस्तक पेंसिल नहीं है तो पुस्तक और पेंसिल का नहीं में रिलेशन होता, बट कलम का और पेंसिल का नहीं में रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे संभावना हो सकती थी कि क्या पता कलम पेंसिल हो सकती है, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ इसके साथ में था, बट अगर बाहर वाले वेन डायग्राम के साथ में रिलेशन नहीं में आ जाए तो अंदर वाला कंप्लीटली नहीं में आ जाता है। तो देख लेते हैं इसमें अपना पढ़ करके क्या क्या दिए गए हैं। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें आपके ये हैं और पेंसिल ये हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले को हम कट कर देते हैं। दूसरा वाला है कोई पुस्तक पेंसिल नहीं है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई पुस्तक पेंसिल हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे बोला गया कोई पुस्तक पेंसिल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कुछ कलमें पेंसिल हैं, तो कुछ कलमें जो हैं पेंसिल हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कलम और पेंसिल का तो रिलेशन ही नहीं में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर डी है यहाँ पे कुछ पेंसिलें पुस्तक हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, जैसे कि पहले वाले में बता दिया था कुछ पुस्तकें या पुस्तकें और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं में आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही आपका बी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका काउंटिंग फिगर से, तो काउंटिंग फिगर से ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं, यहाँ आपको बताना है कितने तो इसमें त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। तो वर्ग तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे होंगे, त्रिभुज की मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे काउंट करते हैं। जब भी किसी वर्ग में त्रिभुज बने होते हैं, यानी कि लाइनें खींची होती, चाहे इतनी भी आप बना लें, तो उनको कैसे काउंट करते हैं, आपको क्या करना है, नंबर डाल देना है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से। अब ये 4 है, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करिए कितना, 8, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करिए 8, और यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करिए, यानी कि इस 4 में, ये 4 है ना, तो 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी 8, तो 8 + 24, तो 24 तो आपके त्रिभुज ये हो बन गए, ठीक है। अब इसमें एक जो काउंट नहीं हो पाए हैं उनको मैं बताता हूँ आपको कितने हो गए, 24। एक तो जितने भी पॉइंट ये ऐड होते जाएंगे इनको ऐड करते जाना है, ठीक है, 4 और इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 28 हो जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये जितने भी ऐड होते जाएंगे वो भी आपको ऐड करने हैं, ठीक है। और इनका कैसे होता है, मतलब इनका लॉजिक क्या होता है, इनका लॉजिक होता है देखिए ये वाला, यानी कि ये वाला त्रिभुज बन गया और ये वाला त्रिभुज बन गया, ये आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। फिर ये वाला त्रिभुज बन गया और ये वाला त्रिभुज बन गया, ये ऐड नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये ट्रिक में इंक्लूड नहीं हुए थे। तो इनकी भी यही ट्रिक है कि जितने भी ये बॉक्स ऐड होते चले जाएंगे, जितने भी वर्ग ऐड होते चले जाएंगे, उनके इतने ही पॉइंट आपको बढ़ाते जाना है। अगर एक और यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो आपको, अभी तो मैंने 8 इसमें हो जाएंगे, और जितने भी ये पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं ये आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो कितने हैं, 4 24, तो आपके थे त्रिभुज और 4 ये पॉइंट हो गए, तो कितने हो गए 28, तो हो गए आपके त्रिभुज। अब आती है वर्ग की बात, तो वर्ग 1 2 3 तो आपको नजर आ रहे हैं, 2 ऐसे वर्ग है जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये वाले हैं आपके दो वर्ग 1 और 2, ये दो वर्ग आप और करिएगा ऐड, तो 3 + 2 कितने हो गए 5 वर्ग हो जाएंगे, 28 त्रिभुज, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप उनको करके आएंगे। और इसकी मैंने एक ट्रिक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे, एक बार सर्च कर लीजिएगा काउंटिंग फिगर सो ट्रिक टॉपिक स्टडी डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिगर कंप्लीट करनी है आपको ये, ठीक है, यहाँ पे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
इनको ये क्वेश्चन जो करते हैं आप, इनको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटाते जाइए और आपका आंसर खुद ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, बस एक बॉक्स आपको देखना है, ये वाला, ठीक है। कोई भी एक बॉक्स देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। आपको इसमें कहीं पर ऐसी लाइन नज़र आ रही है, इसमें आ रही है, तो इसको हटा दीजिए। फिर ये वाला, इसकी डायरेक्शन देखिए, हमें यहाँ पे चाहिए ये वाली डायरेक्शन वाला, तो और जिसमें ये वाला हो और ये इस तरीके से कुछ बना हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो इसकी डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी। अब ये, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये वाला मुझे राइट लग रहा है, और इसकी मैं बात करूं तो इसमें ये एक्स्ट्रा वाली लाइन ऐड होगी, तो ये भी हट जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कभी भी सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपको फिगर सीरीज फिगर वाला होगा और जिसमें आपको कंप्लीट करनी होती है वो फिगर, उसमें आपको जो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसको हटा देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो आप बिल्कुल सही और सटीक आंसर पे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन और पूर्व धारणा, यानी कथन और निष्कर्ष से। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विविध फीस लेने में एकरूपता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूर्व धारणा क्या क्या दी गई है, सबसे पहला है सरकारी सब्सिडी लोगों से टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है। तो यहाँ पे तो सब्सिडी की तो कोई बात ही नहीं की गई है, और टैक्स की, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये इससे कोई संबंधित नहीं है, तो इसको तो हम हटा देंगे। दूसरा है सब्सिडी देने के समय सरकार ने फीस के बारे में एकरूपता रखने संबंधित कुछ शर्तें लागू की होगी, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए दोबारा से पढ़ते, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विविध फीस लेने में एकरूपता होनी चाहिए, तो इनका कोई भी मतलब नहीं है ऊपर कथन से, तो दोनों ही डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, यानी कि इनमें से कोई भी राइट नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे कथन निष्कर्ष से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई चाय कॉफी नहीं है और कुछ ड्रिंक चाय है। तो कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, तो आपका एक देखिए इसमें दो तरीके से डायग्राम बन सकता है, कोई चाय कॉफ़ी नहीं है तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं वाला रिलेशन है, और कुछ ड्रिंक चाय है तो आपका ये वाला बन जाएगा डायग्राम, ठीक है ना। ये तो बोला गया कुछ ड्रिंक चाय है, तो यहाँ पे एक डायग्राम तो ये बन सकता है, एक बन सकता है कि ड्रिंक और सॉरी चाय और कॉफ़ी के बीच में रिलेशन नहीं का है ना, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, तो अभी भी इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं का है और ये दोनों के दोनों कॉफ़ी के साथ में रिलेशन में है, ठीक है ना। यानी कि कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी ड्रिंक भी हो सकती है और कुछ कॉफ़ी चाय भी हो सकती है, तो दो तरीके से डायग्राम बन सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे निष्कर्ष के हिसाब से क्या आंसर लगाएंगे, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, कम से कम बोला गया यहाँ पे कुछ चाय ड्रिंक है, तो कुछ चाय ड्रिंक हो सकती है, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं का रिलेशन किसके बाद में, बीच में चाय और कॉफ़ी के, तो यहाँ पे कुछ तो हो सकती है, ठीक है ना। चलिए पहले वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा बोला है कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तो कॉफ़ी और ड्रिंक के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन बताया नहीं गया, बट हम नहीं का भी नहीं बता सकते हैं। देखिए जिसके बीच में जो रिलेशन नहीं बताया जाता, हम उसके बीच में ना ही हाँ का रिलेशन लगा सकते हैं और या नहीं का भी रिलेशन नहीं लगा सकते, यानी कि ड्रिंक और कॉफ़ी के बीच में नहीं का रिलेशन भी हम नहीं बोल सकते और कोई रिलेशन है वो भी हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे वाला आपका नहीं होगा, केवल आपका फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक और कथन और निष्कर्ष से, सभी गेट दरवाजे हैं, सभी प्रवेश गेट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे सभी गेट दरवाजे हैं, तो आपने एक डायग्राम बनाया गेट का और सभी के सभी गेट दरवाजे हो गए, इसके ऊपर को दरवाजे वाला वेन डायग्राम आपका आ गया, ठीक है। सबसे पहले गेट का बनाया, उसके ऊपर को आप दरवाजे वाला वेन डायग्राम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है सभी प्रवेश गेट हैं, सभी के सभी जो प्रवेश है वो गेट हैं, तो आपको क्या करना है, प्रवेश गेट के अंदर आ जाएगा क्योंकि सभी के सभी प्रवेश गेट हैं, ठीक है। तो गेट किसके सॉरी प्रवेश किसके अंदर आ जाएगा, गेट के अंदर आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाए निष्कर्ष में, सभी प्रवेश दरवाजे हैं, सभी के सभी जो प्रवेश है वो दरवाजे हैं, तो सभी प्रवेश दरवाजे हो सकते हैं, सभी के सभी प्रवेश दरवाजे हो सकते हैं, क्योंकि दरवाजे के अंदर गेट है, गेट के अंदर प्रवेश है, तो ये सभी के सभी प्रवेश दरवाजे हो सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे पहले वाला राइट हो जाएगा। दूसरे वाला बोला गया है सभी दरवाजे प्रवेश हैं, सभी के सभी प्रवेश दरवाजे हैं, सॉरी क्या था, सभी दरवाजे प्रवेश हैं, तो सभी दरवाजे प्रवेश नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंडीशन कब बन सकती थी कि दरवाजे के ऊपर को प्रवेश वाला डायग्राम होता आपका, ठीक है, तो तब आपका ये राइट हो जाता, जब दरवाजे के ऊपर को प्रवेश वाला डायग्राम होता है तो सभी के सभी दरवाजे प्रवेश हो जाते हैं, बट अभी प्रवेश जो है वो गेट के अंदर और गेट के अंदर
सॉरी दरवाजे के अंदर गेट है, गेट के अंदर प्रवेश है, तो अभी आपका ये सभी के सभी दरवाजे प्रवेश नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं बट सभी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये हट जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, निष्कर्ष वन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करिए। देखिए अब ये वाली सीरीज थोड़ी हटके है, इससे पहले मैं कई सीरीज आपको कराई है जिसमें ट्रिक आपको बताई थी, अगर आपने वो वीडियोस देख रखे होगी आप उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, बट ये सीरीज थोड़ी अलग है। इस सीरीज में क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 2A है, 2 यहाँ पे 3 होने लगे हैं, 3A फिर यहाँ पे 3B, तो इसका मतलब इसमें कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे यहाँ पे 2A 2B यानी कि AA BB, फिर यहाँ पे AAA BBB, फिर यहाँ पे 4 बार A और 4 बार B, तो कुछ इस तरीके की सीरीज भी आपके एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब उस ट्रिक से ना क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से भी चेक कर लेना है, यानी कि 2 बार A 2 बार B, फिर 3 बार A 3 बार B, फिर 4 बार A फिर 4 बार B, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, BA AB, तो BA AB इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र एक्स में सही जल प्रतिरूप चुने, यानी कि आपका यहाँ पे वाटर इमेज बतानी है इसकी, तो वाटर इमेज इसकी क्या होगी, आप खुद सोच करके देखिए। मैंने आपको समझाया था कि जल प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है तो क्या करना है, ये समझिए कि मिरर यहाँ पे रखा है नीचे, ठीक है, जब मिरर यहाँ पे रखा होता है तब क्या करना होता है, जब मिरर यहाँ पे रखा होता है तब यहाँ पे क्या करना होता है, वो सब कुछ मैंने बता रखा है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मिरर यहाँ पे रखा है, जब वाटर इमेज बनानी है तो समझिए मिरर नीचे रखा है बस। ठीक है, अब जो मिरर के पास में है चीज़ें, ठीक है, उसको पास में रखना है और जो दूर है तो उसको दूर में रखना है। ठीक है, तो पास में क्या है, यहाँ पे देखिए अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से खींचूँ तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से अगर बनता है तो यहाँ पे कोने में तो आपका ये इसी के पास में रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो चीज़ें पास में है यहाँ पे, ठीक है, जल प्रतिबिंब आपको बनाना है, जो चीज़ें पास में तो उसको पास में रखना है, तो यहाँ पे देखिए एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो ये हट जाएगा क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, अब इसकी डायरेक्शन वही है, सब कुछ बिल्कुल सही है बट ये वाला पोर्शन इंक्रीज हो गया, ये उतना ही रहना चाहिए, ये भी हट जाएगा, फिर इसमें सब कुछ सही है, इसकी ये भी ठीक है और इसका जल प्रतिबिंब बिल्कुल सब कुछ ओके है, जैसा बनना चाहिए वैसा बनना है, बिल्कुल ठीक है, बट जो यहाँ पे प्लस का निशान है वो मल्टीप्लाई में बदल गया, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका ये बिल्कुल सही जल प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, जो चीज़ें जल के पास में है, यानी कि हमने बताया यहाँ पे मिरर रखा है, तो ये मिरर के पास में क्या चीज़ है, ये वाली, तो ये वाली मिरर के पास में है, ये वाला पोर्शन यानी कि ये ब्लैक पॉइंट वाला भी, ठीक है, और ये जो दूर है ये दूर ही रहेगा, इस डायरेक्शन में ही रहेगा, और ये प्लस का भी आपको बिल्कुल वहीं रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वाटर इमेज चाहे आपका मिरर इमेज कोई भी बनाने को दे दी जाए एग्जाम में, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बना जा सकता है। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखिए बिल्कुल पहले वर्ड से स्टार्ट करिएगा ऑप्शन को देखने का, यहाँ पे देखिए एस इसमें है, ठीक है, टी है, टी इसमें नहीं होता है तो हटा देंगे, फिर आर देखिए, आर है, ठीक है, ई है, वो इसको हटा के दोबारा से करते हैं, आर है, ठीक है, ई भी है, सी भी है, ओ भी है, वी भी है, ई, अब इसमें एक बार ई है, इसमें दो बार है, इसको भी हटा देंगे तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, आर है, ठीक है, ओ भी है, ए भी है, सॉरी ए नहीं होता डिस्कवरी में, तो ए ये भी नहीं होगा, तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, डी है, ई भी है, सी भी है, ओ भी है और वाई भी है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो विद इन सेकंड आप कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, शुरू करिएगा हमेशा पहले ऑप्शन से, कभी भी ये मत करिएगा कि लास्ट वाले से चेक करूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वाला ही आपका हो जाता है राइट आंसर और वही आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सांकेतिक भाषा में TUK FUK RUK का अर्थ अंगूर खट्टा है, RUK LUK SUK का अर्थ सेब मीठा है, FUK MUK LUK का अर्थ अंगूर मीठा था, तो अंगूर का कूट क्या है, यानी कि अंगूर का कोड क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसको लिख लीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे आपने लिख लिया है। ठीक है, T
TUK FUK RUK अंगूर खट्टा है और ये इसी तरीके से और ये इसी तरीके से। आपको ये कैसे करना है, सबसे पहला वर्ड देखिए TUK लिखा है। अब ये देखिए TUK किसी दूसरी लाइन में भी है क्या, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका FUK यहाँ पे है, इस वाली लाइन में नहीं है और इस वाली लाइन में FUK। तो अब आप ये देखिए कि इन दोनों लाइन में इसमें कौन सा कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अंगूर इसमें भी है और इसमें भी है, दूसरा कोई भी कॉमन वर्ड इस लाइन में और इस लाइन में तो नहीं है। तो FUK इसमें भी है और इसमें भी है और अंगूर इसमें भी है इसमें भी है, तो FUK के लिए आपका अंगूर कोड यानी कि अंगूर के लिए आपका FUK कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंगूर के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा, तो FUK इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको अलग ही एक गोला कर लीजिएगा। फिर इसको जैसे RUK इसमें है और इसमें है, तो RUK इसमें है और इसमें, तो इस इन दोनों में देखिए कि कौन सा एक कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पे देखा है इसमें भी है और है इसमें भी है, तो है के लिए आपका RUK हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट करते चले जाइए, पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, चाहे जो भी आपसे पूछा गया हो वो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों को तार्किक श्रेणी में अनुसरण करें, ABDEGH इस तरीके से लिखा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो इस तरीके की सीरीज मैंने आपको अभी कराई थी, बट इसमें थोड़ा सा अलग आपका चेंज क्या है कि ये सीरीज आपकी अलग चल रही है। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस में नहीं चल रही, यहाँ पे प्लस वन है तो नेक्स्ट में आपका प्लस टू है, प्लस वन है तो प्लस टू है, प्लस वन है तो आपका प्लस टू है, तो इसी तरीके से आपका प्लस टू करके जे आ जाएगा और प्लस वन करके के आ जाएगा, तो JK इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उनको भी कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पसंद भी आ गई होगी, और एक टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत सस्ती 120 रुपये में है और जिसमें 30 टेस्ट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो छोटा सा त्रिभुज बना होता है कोने में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, 20% का डिस्काउंट भी आपको उस पर मिल जाएगा। 20% डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, कोड है SAURABH और आपका SPL, ये कोड आपको यूज करना है, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 149 की जो टेस्ट सीरीज है वो 120 में मिल जाएगी, 120-125 में इतने में मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ इसका जो डिस्काउंट है वो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये डिस्काउंट है इसको लीजिएगा, क्योंकि हमारी टॉपिक स्टडी फैमिली के लिए सिर्फ डिस्काउंट ही है और कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। तो ये टेस्ट सीरीज सिर्फ हमें डिस्काउंट पे मिली है, इसलिए मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा कोई इसका प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप रियली मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना, तो इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 120 रुपये की है और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। 30 इसमें टेस्ट हैं जो हिंदी इंग्लिश में है, और आप इसे लैपटॉप और कंप्यूटर और आप मोबाइल पर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल से आपका पूरा एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। PDF लेने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।